मैडम थामा मैडम जो बीएमसी की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, तो आप यहाँ पर आए हैं तो कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे मैं क्या कहूँ, मैं आज यहाँ आकर वाकई मैं कहना चाहूँगा बहुत प्रभावित हुआ हूँ। जब आया था तो ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, किस किस्म और किस पैमाने पे इस साल ऑर्गेनाइज़ किया होगा, दो साल कोविड के चक्कर में नहीं कर पाए। मगर आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि ये हमारा 26th ईयर है और परदेशी सर आउट हियर, इनको पूरा मैं श्रेय देता हूँ इस बारे में कि इन्होंने इस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसे इस साल भी और उतने ही बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं वाकई ज़रूर ये भी कहना चाहूँगा कि पूरा मैं चल के जब गया और देखे सारे स्टॉल्स हमारे, तो किस किस्म से हमारे लोगों ने एक मैसेज पूरी कल्चर के लिए के ज़रिए एक मैसेज फैलाने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस करके हमारे बच्चों तक, हमारी युवा पीढ़ी तक कैसे एक बहुत बड़ा मैसेज फैलाने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे वाकई में बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आभारी हूँ अजय पॉल सर का और प्रशांत जी का, जो जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ पे आ पाऊँ। और वाकई में परदेशी सर, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। समय निकाल के आए? बिल्कुल नहीं, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की युवा पीढ़ी के लिए ऐसा एक मैसेज फैलाना, और ऐसे इवेंट के ज़रिए हम हमें एहसास नहीं होता बट वाकई में छोटे जब बच्चे होते हैं बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल उम्र होती है। मेरी खुद की बेटी यहाँ आती है और तो अगर ऐसे इवेंट में अगर मेरी बेटी आई, उसको मालूम पड़े अहमियत पेड़ पौधों की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम सब एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जहाँ इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, बट इसी समय ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी युवा पीढ़ी में, हमारे यंग जनरेशन में ये एक मैसेज फैलाएं कि पेड़ पौधे कितने मायने रखती है। तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि आज मैं यहाँ पे परदेशी सर के साथ हूँ और ये बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट है जिसे हम सभी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। परदेशी सर, क्या कहेंगे इस कॉज के लिए और आपने जो इनिशिएटिव लिया है, 26 साल से ये फेस्टिवल हो रहा है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मुंबई महानगर पालिका की ओर से मुंबई करों को आह्वान कर रहा हूं कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3, 4, 5 फरवरी को मुंबई महापालिका ने ये फ्री में एग्जीबिशन रखा है, सभी ने इसका लाभ लेना चाहिए, सभी ने आके विजिट करना चाहिए और निसर्ग को बचाने में मुंबई महापालिका की मदद करना चाहिए। जैसे सर जैसे लोग आके हमको प्रोत्साहित कर रहे, उसी तरह आप लोग भी आइए, पेड़ लगाइए और मुंबई को बचाइए। थैंक यू। मी या फ्लावर एग्जिबिशन आलेली आहे जे बीएमसीने ऑर्गनाइज केलेलं आहे। दर वर्षी मी येते पण गेल्या 2 वर्षात त्याला खंड पडला, कारण आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे महामारीमुळे कोविडच्या सगळीकडेच एक स्टॉप आला होता, पण आता पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने, या फ्लावर एक्झिबिशनच्या निमित्ताने मी इथे आलेली आहे। आणि जे हेड आहेत जितेंद्रजी परदेशी, ते मला दरवर्षी या एक्झिबिशनला बोलावतात आणि मला अतिशय आनंद आहे। त्यानिमित्ताने लोकात मिसळणं होतं आणि मुख्य म्हणजे जी कल्पकता आहे फ्लावरची, जी रचना केली जाते इकडे, ती खरोखरच डोळे दिपवणारी असते आणि अतिशय कल्पक अशा प्रकारची असते। आत्तासुद्धा मी पाहिलं, छान हरणाचे डिझाईन्स, नंतर रेल्वे इंजिन आणि सिलेंडर, तसंच बॉन्सायचे अनेक प्रकार, नंतर झुकिनी वगैरे जे एक्झॉटिक जे आपल्याकडे फळं असतात त्याचे पण अनेक प्रकार इथे बघायला मिळतात। आणि त्यानिमित्ताने राणीबागेला सुद्धा आपण भेट देतो, तर मला अतिशय आनंद आहे की बीएमसीशी माझं खूप असं घरोब्याचं नातं आहे आणि ते अतिशय मी घरचीच असल्यासारखी मला दरवर्षी निमंत्रण देतात आणि त्या निमंत्रणाला मान देऊन अनेक ॲक्टर्स, मीच कशाला, अनेक जे मोठे मोठे सेलिब्रिटीज असतात, ॲक्टर्स, ॲक्ट्रेसेस, सगळे याला भेट देतात, तर त्याबद्दल मी बीएमसीची खरोखर अत्यंत ऋणी आहे। आणि असंच मला त्यांनी आमंत्रण द्यावं आणि असंच आपलं प्रत्येकाचं मन प्रसन्न होईल ह्या वातावरणात येऊन, कारण एक मोकळा श्वास आपल्याला ह्या वातावरणात घेता येईल। धन्यवाद। बीएमसी आयोजित ये जो फ्लावर एग्जिबिशन है, यहाँ मैं हर साल भेंट देती हूँ और जितेंद्र जी परदेसी हैं जो हेड हैं
गार्डन डिपार्टमेंट के वो मुझे हर साल न्योता देते हैं और मैं हर साल आती हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से महामारी की वजह से, कोविड की महामारी की वजह से आना नहीं हुआ और ये एग्जीबिशन भी नहीं हो पाया, तो बहुत सारे लोग मिस कर रहे थे और ख़ास करके जो गार्डन प्रेमी हैं, फूलों के जो प्रेमी हैं, वो नहीं आ पाए और वो वंचित थे। तो सबको बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल ये एक समारोह की तरह फिर से सबके चेहरे खिल उठे हैं, सबको प्रसन्नता हुई है। मुझे भी बहुत प्रसन्नता है कि BMC हर साल मुझे भूलती नहीं है, मुझे बुलाती है जैसे मैं उनके घर का ही कोई मेंबर हूँ, इस तरह से बुलाती है। सो आगे भविष्य में भी इसी तरह मैं भेंट दूंगी इस फ्लावर एग्जीबिशन को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। दिस फ्लावर फेस्टिवल एंड इट्स वेरी क्रिएटिव, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम लोग सिर्फ बुके परचेज कर लेते हैं जब मैरिज में जाते हैं, और कुछ 2-4 फ्लावर्स होते हैं ऐसे जिनके हमें नाम पता होते हैं, गुलाब का फूल है, ये चमेली का है, ये इसका है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा यहाँ आकर कि कितनी अच्छी वेराइटीज़ है फ्लावर्स की। इसके अलावा बॉम्बे जैसे कॉन्सेप्ट में जो पॉट्स के अंदर मैंने देखा है फ्रूट जो इन्होंने बनाया है क्राफ्ट करके, इसके अलावा वेजिटेबल्स का जो इन्होंने बनाया है, दैट इज़ वेरी गुड। परदेसी सर जो यहाँ हमारे जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करते हैं, राठौड़ सर जो ट्री ऑफिसर हैं, सो उनको मैं थैंक्स देना चाहूँगा जो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हमें यहाँ बुलाया, तो वी आर वेरी गुड एंड हैप्पी। जी मुझे तो ऐसा लगता है मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, मतलब बचपन में आई थी रानीबाग में, उसके बाद अभी आ रही हूँ, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। ये जो फ्लावर्स का एग्जीबिशन है, जो ट्री ऑफिसर्स और राठौर सर सब लोग मिलके जो क्रिएटिविटी वर्क है, ये अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, सच में ऐसा लग रहा है तो देखते ही रहो, यू नो। तो लेकिन टाइम के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही लाइन में बोलूँगा कि मेरा दिल गार्डन हो गया ये सब देख के, इतना बढ़िया ग्रीन सब देख के बहुत ही मज़ा आया, और बहुत मेहनत से जो बनाया है वो मेहनत दिखती है, उसकी थीम जो है कार्टून थीम है वो बहुत ही ब्यूटीफुली उसको क्राफ्ट किया है, सजाया है, बहुत मज़ा आया। सर मैं हूँ राज कपूर का भी प्रमोशन कैसे चल रहा है? हाँ जी सर, तो हम मेरी एक फिल्म आ रही है, मैं हूँ राज कपूर, मैं राज कपूर हो गया, इट्स ए टाइटल ऑफ माई मूवी, जो 17 फेब को रिलीज़ हो रही है, और यहाँ पे भी हम सब लोगों के बीच में आए, आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो ये भी दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर प्रमोशन ऑल्सो, ये भी समझ सकते हैं आप। तो जाइएगा थिएटर में, ज़रूर देखिएगा, ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, गाने लॉन्च हो चुके हैं, हमने कल RK स्टूडियो के बाहर हमने अपना सॉन्ग लॉन्च किया, राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट किया, सो आई एम वेरी हैप्पी कि प्रमोशन अच्छा चल रहा है। सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा। आपको फूल कितने पसंद है और कौन से पसंद है? सर देखिए बचपन से तो जो फूल पसंद है वो गुलाब का ही फूल पसंद होता है, क्योंकि जब हम पहली बार हम किसी को चाहते हैं, किसी को, और किसी के लिए पूछा कि भाई अब मैं कैसे प्रपोज करूं, तो हमारे टाइम पे व्हाट्सअप होता नहीं था, कोई मैसेज फैसिलिटीज होती नहीं थी, तो हम दोस्त आपस में मिल के हमें बताते थे कि एक काम करो, रेड रोज़ लेके जाओ और वो देना, तो पता चल जाएगा उसका आंसर क्या है। ये महीना भी गुलाब के फूलों का ही है वैसे देखा जाए। सो इसलिए बचपन से गुलाब का फूल पसंद है, लेकिन फूल तो सभी अच्छे हैं जो भी खुशबू देते हैं। सर देखिए जो इन्होंने क्रिएटिविटी की है वो बहुत अच्छी लगी, फूलों से जो इन्होंने डिज़ाइन किए चीज़ें, इसके अलावा एक इन्होंने कुछ पॉट्स के अंदर वेजिटेबल्स वगैरह लगाए, फ्रूट्स वगैरह लगाए, वो बड़े क्रिएटिविटी लगी मुझे, क्योंकि वो तो हम मैं वो सोच भी नहीं सकता था कि हम हमारे फ्लैट में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ गुड एक्चुअली। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जी वैसे भी ना प्लांट्स का बहुत शौक है हमें, क्योंकि बचपन में हम जब विलेजेस में जाते थे, हमारे जो मामा का घर है और रिलेटिव्स के घर हैं, सब प्लांट्स, और बंगाली कैलकटे में तो बहुत ज़्यादा, मीन्स घर घर में आपको पॉन्ड दिखेगा, तालाब दिखेगा, प्लांट्स दिखेंगे, तो मुझे बहुत शौक है, और यहाँ पर आके जो मुझे इतना अच्छा लगा, और स्पेशली आज हम आए हैं हमारे फिल्म के प्रमोशन में, जो फिल्म का नाम है मैं राज कपूर हो गया, और इसी 17 तारीख को रिलीज़ हो रही है, 17 फेब को, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं छोटा सा फिल्म के बारे में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बोल देता हूँ।
बेसिकली ये जो हमारी फिल्म है ये कमर्शियल तो है ही, आप लोगों को इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्टिंग मूवी है, लेकिन ये हमने टच टू हार्ट बनाई है। इसका जो बेसिक चीज़ वो रिलेशनशिप है, जो इंसान किसी से मोहब्बत करता है, तो आज की मोहब्बत कैसी हो गई है, एक सुबह व्हाट्सएप पे आता है आई लाइक यू, शाम को आता है आई लव यू, और चार दिन बाद आता है आई हेट यू। तो इस तरह की लव रिलेशनशिप हो चुकी है हमारी सोसाइटी की। तो लेकिन सच्चा प्यार आज भी है, बहुत लोगों में है, तो उस सच्चे प्यार पे, उस रिलेशनशिप के ऊपर हमारी फिल्म है। मैं राज कपूर हो गया, इसमें आपको राज कपूर साहब की बहुत सारी फिल्मों की झलक देखने को मिलेगी, उनकी फिलॉसफी, उनकी फिल्में जो हैं, मैंने उन सब से इसको कंसेप्ट को उठाया है मैंने, और ट्रू इवेंट्स पे मेरी फिल्म बेस्ड है। आप लोग प्लीज़ जाइए और देखिए, आपको बहुत अच्छी रहेगी मेरी। क्या राज कपूर हो गया, ये फिल्म पूरा पैकेज है, उसमें म्यूजिक अच्छा है, उसमें कॉन्स्पिरेसी है, उसमें थोड़ा सस्पेंस भी है, उसमें थोड़ा एक्शन भी है, और बहुत सारा रोमांस भी है। तो मुझे लगता है कि मैं राज कपूर हो गया, ये फिल्म एक पूरा एंटरटेनमेंट का पैकेज है, कॉमेडी बहुत अच्छी है बेसिकली, और उसके लिए इन्होंने मुझे लिया था। आई होप कि मैं उस पर खरा उतरा हूँ, पर मुझे लगता है कि फिल्म देख के आपको ज़रूर ये लगेगा, मेरी बात सच लगेगी, कि ये पूरा एंटरटेनमेंट का पैकेज है। तो आप ज़रूर देखिए 17 फरवरी। सर बैठिए, बैठ सकते हो क्या? पड़ना नहीं रे, ते उड़ा मारता तिथु निकल तो यहाँ पर, यहाँ पर 26वां साल है ये, और मुझे याद है कोविड के कारण 2 साल नहीं हो पाया। मैं जब 24 साल हुए थे इनके तब भी मैं आया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स, नेचर, वैसे ही आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट, और मेरे घर में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। हमने मेक श्योर किया कि हर बालकनी में, हर जगह में जहाँ इंडोर भी हो वहाँ भी रख पाएँ, और यहाँ पर आके बड़ा अच्छा लगा। पहली बात तो ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया है, वो बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक ये तो BMC की खासियत है, वो पूरी सबका ध्यान रखते हुए पूरा आयोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि बस फॉर द हेक ऑफ इट हो गया, उन्होंने मेक श्योर किया है सबके लिए प्रॉपर तरीके हैं जाने के, अच्छे से लगाया हुआ है, बच्चों के लिए अलग से बहुत खूबसूरत सजावटें हैं। और ये नहीं है कि आप सिर्फ पौधे देख के चले जाएँ, प्लांट्स देख के चले जाएँ, उनके बारे में एजुकेट किया जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। जी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ BMC जो करती है बहुत कमाल करती है, और इस बार भी जो थीम को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया, अभी जैसे कुछ बच्चे थे यहाँ पे, उन्होंने खास तौर पे एक सिलेंडर को लेके एक सजावट बनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और वो नहीं है कि बच्चों ने सिर्फ बना ली, उन्होंने मुझे बताया कि हमने क्यों बनाई है, क्योंकि हम यहाँ पे सबको बताना चाहते हैं कि सिलेंडर जब घर में होते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उन्होंने वो वेइंग मशीन भी वहाँ पर बनाई है और सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आई थिंक वो अच्छा, जो भी थीम इन्होंने बनाई है उसके पीछे एक कारण है, वो सिर्फ आपकी फ़ोटो के लिए नहीं बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि आप उसे देखें, इंजॉय करें और उससे कुछ सीख के जाएं। थैंक यू।
बॉम्बे के इस फ्लावर फेस्टिवल में जी 26th ईयर है, तो लग रहा है आज कश्मीर देख रहे हैं बॉम्बे में, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कश्मीर में हैं, क्योंकि इतने फूल मैंने बॉम्बे में कभी देखे नहीं है, और ये 26वां साल है, और मुझे शर्म लग रहा है कि मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं बगल में ही रहता हूँ, और बस मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा BMC का और जितेंद्र परदेशी सर का कि इन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं टू मेक मुंबई इनटू अ ग्रीन मुंबई। सो ऑल ऑफ यू पीपल आउट देयर, प्लीज़ जहाँ पे भी आप रहते हो आसपास अगर कोई जगह हो तो प्लीज़ प्लांट ट्रीज़, अगर वो जगह नहीं है आपके पास वहाँ पे आसपास जहाँ पर रहते हो तो घर के अंदर आप प्लांट्स रखें, एंड हेल्प इंक्रीज एंड द एयर क्वालिटी, इम्प्रूव द एयर क्वालिटी ऑफ मुंबई, बिकॉज इट्स इन द लास्ट मंथ सो हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी मुंबई की ऑलमोस्ट एज बैड एज दिल्ली है, तो इट्स अ नीड ऑफ द आवर। आई एम्प्लॉय ऑल टू प्लीज़ 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 प्लांट मोर ट्रीज। आप क्या कहेंगे सर, फिल्म आपकी रिलीज़ हो रही 17 को? 17 फरवरी को सेक्टर बालाकोट फिल्म रिलीज़ हो रही है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बॉम्बे में बहुत पॉल्यूशन है और ऐसे इवेंट होने चाहिए, ग्रीन मुंबई होनी चाहिए, ज़्यादा इवेंट करिए, BMC को पूरा हमारा सपोर्ट है, कुछ भी हम कर पाए वी आर ऑलवेज देयर विद यू। थैंक यू। आप मलेशिया में, वहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है और रशिया में बहुत अच्छा मौसम है, तो यहाँ के क्या कहेंगे यहाँ पे ग्रीनरी देख के? मलेशिया तो जिस सिटी में मैं रहता हूँ पूरी सिटी गार्डन है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एंड आई विश कि हम भी यहाँ पे ज़्यादा पेड़ लगाए और वैसा ही एटमोसफियर यहाँ पे भी होगा। और मैंने इनको कहा है कि मैं इनका सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, और जब भी ये प्लांटेशन ड्राइव करेंगे तो मैं जाऊँगा उनके साथ, और जहाँ पे भी जगह होगी मैं पेड़ लगाऊंगा उनके साथ। मैंने बांद्रा के एरिया में 4 पेड़ लगाए जो अभी 10-12 साल पहले, जो अभी ऑलमोस्ट 6 माले के ऊपर गए हैं। मैंने एक पेड़ वोली के एरिया में भी डाला था 3 साल पहले, वो थोड़ा सा बच्चा है, और टाउन में भी मरीन ड्राइव पे भी मैंने 2-4 पेड़ उगवाए हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू मेक दैट एफर्ट अगर हम चाहें कि हमारे जो आगे की पीढ़ी है doesn't suffocate, so it's very important that we plant trees, क्योंकि आबादी तो बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो buildings और आएंगे, and with that more trees are going to be cut, so it's our duty and responsibility कि हम और पेड़ लगाएं, please please please, this is the need of the hour. Thank you. और हाँ, please watch Sector Balakot 17 फरवरी को in theaters, in a cinema near you. आपको कौन सी चीज़ यहाँ unique लगी है, जैसे आपने शो एक्सिबिशन? सारी चीज़ें बहुत यूनिक थी, इनफैक्ट द वे दे हैव डन द डिस्प्लेज ऑफ ऑल द फ्लावर्स एंड द प्लांट्स वाज रियली अमेजिंग। बच्चों के लिए भी उन्होंने कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के साथ फ्लावर्स से बनाए हैं उनको, तो बहुत ही अच्छा है। आप सभी जो ये देख रहे हैं प्लीज़ आइएगा यहाँ पे एंड एक्सपीरियंस दिस, इट्स अमेजिंग, यू रियली लव इट। फैमिली के साथ आइए और एक्सपीरियंस करें। थैंक यू।